मैंने एक्चुअली आदम वीडियो पे जब मैंने रिएक्ट किया था हॉपकॉक स्टूडियो पे, तब मैंने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ कुछ अलग अलग चीज़ें बताएं जिसमें मैं रिएक्ट कर सकूं। तो एक ने मुझको बताया था कि रहीम परदेसी है, इनकी वीडियो पे रिएक्ट करी है। और तो उन्होंने एक्चुअली ये नहीं बताया कौन सी वीडियो पे रिएक्ट करें, बट तो मैंने सोचा कि क्यों ना देखते हैं। तो ये उनकी अभी लेटेस्ट वीडियो आई है, सास बहू गेम, तो मैं उस पर रिएक्ट करने जा रहा हूँ। और होपफुली कि, और व्यूज़ देख के लग रहा है कि लोगों को बहुत, लोगों के नीचे बहुत पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद भी है, तो देखते हैं। देखो कौन आया वाह, मैं दूध पालन रही हूँ। अच्छा पंजाबी में हो गया। अम्मी जी तुसी? इतने दिन हो गए, मैं तो ये देखा ही नहीं था, मैं सोचा मैं आई जाऊं। सही है नसरीन, अबे कौन आया? साथ ही साथ निभाना, साथ निभाना, साथ ही निभाना। राशि बाबू, तू फिर आ गई मेरे घर। मैंने कहा था ना, आई विल बी बैक। लिटरली बाय द वे, रसोड़े में कौन था? मैनू की पता रसोड़े विच कौन? तेरा चाचा होना। ओएमजी माशाल्लाह, तुसी ने एक्साइटेड हो जांदे हो एक दूसरे नु वेख के, कि गल ही नहीं आंदी मुंह च। आओ अम्मी थानू मैं अपना नवा टीवी विखावा। बेटा समझ गया कि लगने वाले उसको। फोन में क्या कर रही हो? नसरीन चाय कप बना दे। हाय लो, मेरे को नहीं पढ़ना बीजो। मौसम भी कितना वधिया हो गया ना एकदम। देख रहे हो क्या हो रहा है? और जब से आई हूं यही चल रहा है। तू ऐसा कर, इसके घर वालों को फोन मिला। अच्छा नहीं, इसके भाई को फोन मिला, जल्दी कर। जे मेरी भैन नू कोई भी तकलीफ आई तो तेनू बड़ी तकलीफ मिलनी है। ओ पुत्र, अच्छा ना मिला, मैं मिला लेती हूँ अपना। या तो माँ या फिर मौत। नहीं नहीं छोड़ो, तुसी वो वैसी चिड़चिड़ी हुई है आजकल, तुसी फिक्र ना करो, मैं उन्हें समझाना। बड़ी सोहनी लग रही है आज। चाह तो बना दे। अम्मी जी बंद करो फोन, वो जा रही है चाह बना। इतनी देर में फोन लगाने लगे, मैं ना जा रही। तुसी टेंशन ना लवो, मैं आप ही बना लेना चाह। तू क्यों बनाएगा चाह? हाय मेरा पुत्र। हुन खाने में क्या बनवाऊं? थोड़ा की दिल करता बिरयानी बना लूंगा। हेलो थोड़ियाँ चाव।
हेलो अम्मी जी, थोड़ा मुंडा ना फिर टिल्ला पै गया वा, इनू आके पैड कर दो। अच्छा फिर मैं भी आती हूँ। हूं तो ठीक है ना? चाह तो तूने बड़ी अच्छी बनाई है। ऐसा कर लगया तो खाना भी तू बना ले। तो नाले मेरा किचन ना गंदा करी। प्लस टू ऐड नहीं हो रहा है यहाँ पर। देख तो सही कितनी परेशान लगन डे है। सासर नू सेलियां भी हो सकती हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब। बिल्कुल बिल्कुल। सीरियसली ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मजा आ गया देख करके। पहले मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं, हमने क्या होने वाला यार, ये तो वर्स पे वर्स पता चला जा रहा है, मतलब उसमें और क्या ट्विस्ट लाएंगे। और उसके बाद तो जो ट्विस्ट आया कि सारे काम तो लड़के से कराने हैं, सारी तो साजिशें चल रही थी पीठ पीछे। कसम से भाई ये बहुत मस्त ट्विस्ट था, मजा आ गया देख करके। बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड एंडिंग थी। और मैसेज ऑब्वियसली कि हमेशा हर चीज़ में ही हम लोग शोज वगैरह कहीं भी, क्या कहते हैं, आजकल थोड़ा कम हो गया बट फिर भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट है कि नहीं, सास बहू तो कभी दोस्त रह नहीं सकते, मतलब ना 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 ऐसा वाला। खैर बहुत सही रिकमेंडेशन थी आपकी, और मैं इनको बिल्कुल नहीं जानता था, पता नहीं क्यों, मतलब आप लोग ये रिकमेंड नहीं कर रहे हो, मतलब अच्छी अच्छी वीडियोज आ रही हैं, मतलब बस कोक स्टूडियो सुनाया पड़ा मेरे को। मतलब उसमें कोई बुराई नहीं है बट यार और पाकिस्तान जाने का मौका ही नहीं मिल रहा कि इतना सारा कुछ भी है, और अच्छा लगा ये देख करके। होपफुली इनकी कॉपीराइट ना आए। खैर पर इन्होंने जैसा कंटेंट बनाया उस हिसाब से कॉपीराइट आ भी जाएगी तो बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट है। और सीरियसली मतलब अब तक ये छुपे हुए थे मेरी नज़रों से, अब आप लोग और रिक्वेस्ट करोगे तो इन पर और मैं रिएक्ट करूँगा, पर जल्दी रिक्वेस्ट करना, मतलब मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट करने से पहले अगर मैंने इनकी सारी वीडियो देख ली तब तो मैं ना करने वाला है रिएक्ट, क्योंकि ऑलरेडी देख चुका हूँ, फिर कोई मज़ा नहीं रहेगा करने में। तो जल्दी जल्दी बताना। और सीरियसली काफ़ी मज़ा आई देख करके। और जो जो सास बनी थी वो भी बहुत क्यूट सी थी, मतलब वो भले उन्होंने थोड़ा नेगेटिव टाइप को शुरुआत में किया था पर वो पूरे टाइम मेरे को क्यूट ही लग रही थी, कितनी प्यारी सी दादी टाइप। और मज़ा ही देख करके मेरे को, और इनकी एक्टिंग बहुत गजब थी, मतलब मेरे को पहले तो मैं डर गया कि यार ये फुल पंजाबी बनाऊँ क्योंकि मैं समझ नहीं पाऊँगा ज़्यादा, पर ये मैं समझ पा रहा था पूरा, नीचे सब टाइटल्स भी आ रहे थे तो दैट वॉज गुड। मज़ा आ गई देख करके कसम से, ये बहुत मस्त वीडियो थे। और इनके प्लीज़ रिएक्ट, जो भी इनकी वीडियोज़ हों जो आप लोगों को लग रही हो मस्त, वो प्लीज़ उस पर क्या कहते हैं मेरे को सजेशंस दें, मैं बिल्कुल रिएक्ट करूँगा। और इस टाइप की और कोई चैनल्स हों जिनको मैं बिल्कुल नहीं जानता है, जिन पर मैंने आज तक रिएक्ट नहीं किया, तो उनके बारे में भी बताएं। और चलिए रिएक्शन ही देखता हूँ। थैंक यू। प्लीज़ सर।